पहुंचे मंच के पास घोषणा चाहते हैं, वो भी अपना स्थान थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। धन्यवाद रणजीत गिरी जी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर श्री पुत्र पुष्प अर्पित करके सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित हो। आप पिछली सरकारों से अगर आज का आप ग्राफ की तुलना करो, हत्या में, डकैती में, अपहरण में, महिलाओं पर अत्याचार में, अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार में, आज बहुत बड़ी कमी आई है। आज माफिया या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़कर गए हैं। सरकार बगैर पक्षपात के आज अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाए हुए है। हमने उद्योगों में ना केवल तरक्की करी है, बल्कि जो हमारा एक साल का ये कोरोना का संक्रमण काल था, 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश इस दौरान भी आया है। 4,68,000 करोड़ रुपए का जो हमने प्रपत्र भरे थे, उनमें 3,00,000 करोड़ रुपए का जो उद्योग है वो आज धरातल पर उत्तर प्रदेश में आया है। उत्तर प्रदेश में 44 योजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार में नंबर वन पर चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो लोग चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। आज जो भी काम हम करते हैं, आज कुछ विपक्ष के तमाम नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं सपना तो हमने देखा था। अरे सपना देखा था तो 20 साल से आपने पूरा क्यों नहीं किया? आज अगर आपने सपना देखा था तो आज आपने पूरा क्यों नहीं किया? आज सपना बीजेपी पूरा कर रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हर तरफ जो वातावरण एक पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बना है, उसका मूल कारण यही है कि हमने पारदर्शिता के आधार पर, एक पवित्रता के आधार पर सरकार दी है। मैं किस हर दल को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन लोगों को सांप्रदायिक आधार पर उन्माद पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो लोग शहादत देने वाले लोगों को, बलिदान देने वाले लोगों की उपेक्षा करते हैं, जनता उनकी उपेक्षा जब चुनाव आता है तो मतदान के अवसर पर करती है। और सर, ये होगा सर, आज शहादत दिवस में है, क्या लगता है कि कृष्णानंद राय की जो शहादत है, मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ काफ़ी ताकत मानी जा रही है? नहीं, मैं इतना ही बताऊँ, ये पूरे प्रदेश में ये वातावरण है। पूरे प्रदेश में कृष्णानंद राय जी पूरे प्रदेश के नेता थे, और पूरे प्रदेश में आज जो अपराध के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी है, मैं समझता हूं कि उसमें उनकी ये भावना भी छुपी हुई है कि आज प्रदेश से अपराध मुक्त होना चाहिए। सर, कृष्णानंद राय को मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ एक मजबूत माना जाता था, क्या कहें? नहीं, मैंने कहा ना, कृष्णानंद राय जी एक मजबूत स्तंभ थे भारतीय जनता पार्टी के, और आज उनके समर्थक उससे ज़्यादा मजबूत स्तंभ बनकर उनके सपनों को पूरा करेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सुशासन का राज होगा यहाँ पर। और गाजीपुर का जिसमें मैंने बताया कि ये 4 लेन से जुड़ गई, बनारस से पुल का निर्माण हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, स्कूल हो गए तमाम, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करने जा रहे हैं। तो आप इतना ही कह सकते हैं कि गाजीपुर अब स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जाना जाएगा, अपराध के लिए नहीं जाना जाएगा। और प्रकाश राजभर कितना कार्य करेंगे सर? बीजेपी है, और बीजेपी ने लोगों को अपने साथ, जिनको लिया उनको अपना साथ निभाया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी को जो सम्मान देने का काम किया है वो बीजेपी है, तो लोग बीजेपी के साथ आएंगे। जो गाजी मसूद गाजी को का एक मानने वालों का एक वर्ग जो विचारधारा का है, और एक महाराजा सुहेलदेव को मानने वाली विचारधारा का है, हम महाराजा सुहेलदेव की विचारधारा के आधार पर लोगों को सुशासन देना चाहते हैं। ये जातिवाद के उससे वो उन्होंने पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, तो उनके लिए हमने विश्वविद्यालय बनाया है, उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, उनके नाम पर हमने 25 करोड़ का स्मारक बनाने जा रहे हैं। तो महाराजा सुहेलदेव की जो विचारधारा फैले, ये काम बीजेपी करेगी। गाजीपुर विश्वविद्यालय ना, मैंने ये तो मैंने हर महिला के लिए मैं कहूँगी, केवल मेरे लिए तो ये नहीं है, लेकिन ये सबसे मैंने घातक
माने काम हुआ था। आप लोग जानते हैं कि उस समय की किसकी सरकार रही है, किस तरह हत्या की गई है। तो ये सब माने ये लगता है कि जो व्यक्ति, वो तो भगवान के द्वारा तो ये निश्चित है कि नहीं, जो गाए हैं तो जाना है, तो वो तो अलग की बात हुई। बाकी कोई पीछे से कोई बार कर दे, कोई हत्या कर दे, तो ये बहुत खराब। राजनीति में देखिए भैया, हम एक बच्ची बस बताना चाहती हूँ, राजनीति अपने जगह पर है, बाकी किसी की हत्या कर देना, उसके साथ माने ये इस तरह का जो घटना हुई थी उस समय 2005 में, माने 7 लोगों की हत्या हुई थी, माने क्या लोगों की कसूर था, माने क्या विधायक जी का कसूर था, क्या वो 6 लोगों का कसूर था जो कि इन लोगों की हत्या कर दी गई। ये सब सोचकर बहुत कष्ट होता है। माने कोई भी व्यक्ति राजनीति कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी का पारिवारिक ये चीज़ नहीं है कि कोई एक ही परिवार लड़ सकता है, एक परिवार, खास करके भाजपा ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, किसी एक की पार्टी नहीं है, सबके प्रति वो समर्पित पार्टी है। अब तक न्याय नहीं मिल पाया जी। देखिए, न्याय नहीं मिल पाया, न्यायालय की बात है, कोर्ट की बात है, कोर्ट में गवाही की बात है, गवाहों को डरा धमका करके गवाही लोग अपना अपने तरफ करा लिए, पैसा देकर लोगों को खरीद लिए, ठीक है, बिक गया। बाकी हमको लगता है कि भगवान की है तो न्याय मिलना ही मिलना है। दूसरा न्याय जनता के बीच में है। आज मैं कह सकती हूँ कि मोहम्मदाबाद की जनता ये भी एक भगवान है, क्योंकि इन लोगों के सहयोग से मुझे विधायक बनाया। आज उन लोगों के खिलाफ मैं बोल सकती हूँ, उस अपराधियों के खिलाफ किसी को बोलने का ताकत नहीं है, कि सब लोग डरते हैं। कौन व्यक्ति चाहेगा कि मेरा हमारे परिवार के साथ अपराधियों से कोई माने क्यों, कौन बोल सकता है कि वो व्यक्ति हम लोग के परिवार साथ भी कुछ कर सकता है, मेरे बच्चों के साथ कुछ कर सकता है, उस तरह का व्यक्ति, ऐसा भय फैलाया था मोहम्मदाबाद में। मैं अकेले विधायक अलकरा उसके खिलाफ मैं बोलती रहूँगी, जब तक मुझे जान रहेगी तब तक मैं बात बता रही हूँ। आज भाजपा की सरकार है, योगी जी की देन है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुआ है, नहीं से पहले कोई कार्रवाई नहीं उनके प्रति हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सरकार का बुलडोजर भी चल रहा है जी, मुख्यमंत्री जी का देन है, योगी जी का है कि उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, कानून के तहत प्रदेश में जो महिला रह रही हैं, चाहे कोई भी बच्चे रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति रह रहा है, वो सुरक्षित रह सके, जब चाहे तब घर बाहर निकल सकता है, घर वापस आने में लेट भी हो तो वो सुरक्षित घर आए, नहीं तो भय बना रहता है लोगों का कि जब 6 से 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, तो लोग भयभीत हो जाते हैं, देखिए मेरा लव बेटा घर लौट करके आएगा कि नहीं आएगा। उस समय का माहौल ऐसा था 2017 से पहले, मैं ये बताना चाहूँगी।